और स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब के बिना कानपुर में। जैसा कि अभी मैं सो के जगा हूँ और देखा कि जो मेरा छोटा भाई है वो परेशान है कि कटाप कितनी जाएगी, तो मैं सोचा चलो बना देते हैं कटाप पे वीडियो, क्योंकि मैं भी दे चुका हूँ एयर फोर्स के एग्ज़ाम्स और लगातार मैं उस पर फोकस करता रहता हूँ हर साल के रिजल्ट पे कैसा है, क्योंकि मेरा सपना था, ड्रीम सपना था एयरफोर्स में जाने का, बट किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाया। टेस्ट तो मैं निकले थे, लेकिन समझ रहे हो ना, गांव के लड़के हैं, तुम लोग को इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो वो जो होता ना ग्रुप डिस्कशन उसमें थोड़ा सा रह गया था, तो इस वजह से नहीं जा पाया। फिर इसके बाद ये पुलिस वैकेंसी आ गई, फिर जी डी आ गया, दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह जो भी था वो मैं बाद में बात करूँगा, बट अभी जो है कि एयरफोर्स की कटाप कब जाएगी और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि जो आपकी कटाप जाने वाली है वो गर्ल्स की, क्योंकि इस बार गर्ल्स ऐड हुई हैं पहली बार है, तो गर्ल्स की जो है पुरुषों से अपेक्षा वो 2-3 नंबर कम ही जाएगी। ठीक है, तो अगर जिन भी गर्ल्स के जो नंबर हैं वो 27 से ले, जो मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप के दारा हूँ, 27 से लेकर के 30 के बीच में हैं, वो अपने को सेफ माने और आगे की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। इतना 27 से लेकर के 29 नंबर तक आपकी कटाव जाने वाली, मैक्सिमम 30 जा सकती है गर्ल्स की कटाव जाएगी। और जो बॉयज़ की कटाव वाई ग्रुप की जाने वाली है वो 30 नंबर से लेकर के 33 नंबर तक जाने वाली है। अब अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा मात्र 5-6 दिन में रिजल्ट आने वाला है, फिर देख लेना कि यही कटाव जाने वाली है। जहाँ तक क्योंकि मैं लगातार 2015 से अभी 22-7 सालों का मुझे अनुभव है रिजल्ट का, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अब वाई ग्रुप की क्या कटाप जाएगी, वाई ग्रुप की होगी, एक्स ग्रुप की कटाप क्या जाएगी। तो एक्स ग्रुप की हमेशा जो रहा है, जो उसकी कटाप दी गई है वो 37 नंबर से ऊपर ही कटाप गई है, 37 के ऊपर, 37 से पास नहीं आई। तो 37 से लेकर के 40 के बीच में जिसके नंबर है वो अपने को एक सेफ माने गर्ल्स, और बॉयज़ की अधिकतम वो 42 जा सकती है। तो अब 70 में 42 नंबर तो यार जानी चाहिए, अब इतना भी नहीं कि नहीं जाएगी, तो कम से कम आप अगर आपके 37 से लेकर के 40-42 के आसपास नंबर हैं तो आप सेफ बने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था कट आपका। अब आपका रिजल्ट कब आएगा एयरफोर्स का, उसकी भी जानकारी। तो यार एयरफोर्स का रिजल्ट जो होता है एग्ज़ाम के 10-15 दिन बाद आराम से आ जाता है, तो मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला, क्योंकि आपको शायद पेपर 24 तक थे शायद, क्योंकि 23 का पेपर था, इसका 24 को जो छूट गए थे उनका था, तो आप उसमें 15 दिन ऐड कर लीजिए, मैक्सिमम ये 7-8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आप अपने नंबर हैं आगे की प्रिपरेशन कीजिए, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, रनिंग होगी, ठीक है, आईक्यू टेस्ट होगा, तो उसका आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, यही थी जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए पुलिस के रिलेटेड या SSC GD के रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मेरा उद्देश्य सिर्फ डालना है, अगर जो भी अच्छी चीज़ें होती डाल देता हूँ, बाकी रेगुलर वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे सिर्फ कोई मतलब नहीं यूट्यूब से, ना मैंने इसको मोनेटाइज किया है, आप लोग देख लीजिए यूट्यूब चैनल में मोनेटाइज नहीं है, मैंने इसको नहीं किया है, सब्सक्राइबर बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने मोनेटाइज नहीं किया क्योंकि मुझे ठीक है बस। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।